गणेशपेट अंतर्गत एक शख्स को धमकी देकर हफ्ता वसूली करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों ही आरोपी पहले से ही आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे और अब भी नागरिकों के साथ दादागिरी करते हुए पाए गए। तड़ीपार की सजा काट कर आए और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त आरोपी बजरिया निवासी मोहम्मद शकील उम्र 25 वर्ष, मोहम्मद रिजवान उर्फ टेढ़ी अंसारी उम्र 25 वर्ष, ऋतिक गौर उम्र 26 वर्ष और 27 वर्षीय खदान निवासी फैजान खार उर्फ राजा काल्या। इन चारों आरोपियों ने फरियादी रेलवे स्टेशन पूर्व गेट के सामने स्थित राजा रेस्टोरेंट एंड भोजनालय के मालिक ताहिर हुसैन उम्र 35 वर्ष से धमकी देकर 5,000 रुपये हफ्ता वसूली की। दरअसल आरोपी मोहम्मद शकील ने फरियादी के होटल में जाकर उससे कहा कि मैं अभी तड़ी पारी काट कर आया हूँ, तेरे भाई शानू ने मेरे खिलाफ गुनाह दाखिल किया था, उसको कोर्ट से केस वापस लेने को बोल और तुझे मेरे एरिया में दुकान चलाना है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी विकेट पक्की। जब होटल मालिक ने उनसे कहा कि कौन से पैसे, तो आरोपी फैजान ने कहा कि तू हमको पहचानता नहीं है क्या, ऐसा बोलकर गाली गलौज करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस स्टेशन गणेशपेट में आरोपी के खिलाफ धारा 384, 386, 387, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वारदात ऐसी हुई थी कि तकरदार ताहिर हुसैन उर्फ राजा नाम से जानते हैं तकरदार को, और रहनी का हंसोगरी का अपने भाई और कुटुंब के साथ हंसोगरी में रहता है और उसका राजा रेस्टोरेंट नाम के नाम से प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाजू में उसका दुकान है, पहले से वल्ला पार्टी दुकान है, वो चला रहा था और उसके साथ में भाई भी चला रहा था। घटना 17 अप्रैल की है और रात को लगभग 8-8:30 के बीच की घटना है। उसमें जो उसके पहचान वाले जो लोग थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद शकील, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद ऋतिक गौरे जो बजेरे के रहने वाले लोग हैं और एक तहसील का आरोपी, ऐसे चार लोग उधर आके उसको गाली गलौज करके उसके दमदाटी दी कि तुमने हमें पहचाना नहीं क्या ऐसे बोलकर, और तेरी विकेट पक्की ऐसा बोलकर तुम्हें अभी महीने का हफ्ता देना पड़ेगा 5,000 रुपये ऐसा बोलकर उनसे खंडी एक्सट्रैक्शन किया। और तभी जाते समय उन्होंने बोल दिया कि अभी का मुझे अभी का अभी दे दो, ऐसा बोलकर वो चार लोगों ने उसको दमदारी करके उससे 5,000 रुपये दे दिया और बाद में जाते समय बोल दिया कि तुम्हें अच्छा नहीं हो जाएगा, तुम भी हर महीने का हफ्ता मुझे हमें देना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ये कंप्लेंट हमारे इधर आने के बाद हमने तुरंत स्टाफ को रवाना किया और जो तीन आरोपी है उनको कब्जे में लिया है और कल उस आज पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए उनको भेजा था, उनको 5 दिन की कस्टडी मिली है और उसके बाद जो एक आरोपी है उसके लिए हमने स्टाफ रवाना किया है। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।